नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो न्यू सिलेबस अभी आया है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अंदर जो पार्ट 1 है बेटा, ये कंपनी लॉ और LLP के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर 70 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। और पार्ट 2 जो है वो अदर लॉस से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ, पार्ट 1 में आपको एक देखने मिलने वाला है कंपनीज एक्ट, और के पूरे के पूरे 10 चैप्टर एज इट इज है जो भी एग्जिस्टिंग सिलेबस के, बस एक छोटा सा और पोर्शन इंक्लूड हुआ है, वो है कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली 5-7 पेज का यहाँ पे चीज है। अगर हमारे नोट्स की अगर मैं बात करूं, समरी नोट्स की, तो 5-7 पेजेस का टॉपिक यहाँ पे बनने वाला है। उसके अलावा सर यहाँ पे LLP इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे खास बात ये देखनी होगी कि कितने हद तक रूल्स को इंक्लूड ये लोग कर रहे हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पे LLP का मतलब कंटेंट डिसाइड होने वाला है, ठीक है। अब रूल्स तो बहुत सारे हैं वैसे LLP के, लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंट शब्द डाल के ना थोड़ा सा यहाँ पे है ना डायलेमा वाली सिचुएशन डाल दी है। तो LLP और उसके इंपॉर्टेंट रूल्स को भी हमको पढ़ना है। पार्ट 2 के अंदर हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये दोनों यहाँ पे रहने वाले हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इसको फाउंडेशन लेवल पे डाल दे, लेकिन फाउंडेशन को थोड़ा सा हैवी पड़ जाता था, तो ऐसे केस के अंदर इन्होंने इंटरमीडिएट में रखा है। और एक नया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है जो पहले CA फाइनल में था, और वो कौन सा है दोस्तों, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रिगार्डिंग, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल के अंदर। किसके अंदर, सभी लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट लेवल के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को, जो CA फाइनल का था। तो बस कुछ डेफिनेशन से और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन यहाँ पे देके रखे। कंपेरेटिवली सिलेबस की बात करूं मैं आपके साथ, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो चीज थी उसको हटा दिया है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये जो दोनों चीजें थे इसको CA फाउंडेशन के अंदर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है यार। मतलब मैं अगर बात करूँ ना आपके साथ, तो एज सच कोई बहुत बर्डन वाली बात नहीं है, एग्जिस्टिंग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, देखो यार मैं तो दोनों इससे बात करूँगा, ऐसा कोई ये नहीं है कोई एग्जिस्टिंग कोई स्टूडेंट का नहीं क्लियर हो पाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक केवल आपको ये टॉपिक पढ़ना है लॉ के अंदर, और उसके अलावा आपको एक टॉपिक पढ़ना है, दो टॉपिक्स आपके कट जाते हैं इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो है ना, तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो इतना कोई बहुत भारी भरकम एकदम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ गुड चेंजेस। मतलब ऐसा बहुत अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल तो यार आप सभी लोग जानते हो बहुत ही ज्यादा हो जाता था, 5-7 मार्क के लिए वो सवाल आ रहे हैं वो इतना पढ़ो तो वो बहुत बेकार वाली चीज थी। ठीक है, उसको फाउंडेशन में डाल दिया, 100 मार्क का फाउंडेशन का कर दिया सिलेबस, बढ़िया है वो चीज, एकदम परफेक्ट हो गया फाउंडेशन के लिए भी, 100 मार्क एकदम परफेक्ट हो गए वो। और यहाँ के सब तो अब थोड़ा सा जस्टिस हो पा रहा है वो एक्ट के साथ, है ना, बेचारा नहीं तो एकदम अजीब सा फील कर रहा हूँ, है ना, तो ये बात आ जाती है। बस यही चेंजेस है यार, तो ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है इंटरमीडिएट लॉ के अंदर, बस थोड़े बहुत खास चेंजेस है, बस ऐसा आपको ध्यान रखना है, बस यही वाली चीज़ है। इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूँ तो न्यू सिलेबस, ये जो न्यू सिलेबस है बेटा, इसकी बैच हम जल्दी यहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप जब इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो आप IG सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। यानी कि ये जो न्यू सिलेबस की बैच है, लगभग मैं अगर बात करूँ 10 से 15 जुलाई के बीच में लॉन्च हो जाएगा मेरा वार्म अप कोर्स आने वाला है। जी हां बेटा, आपके IG सर का वार्म अप कोर्स आने वाला है, जिसको आप बढ़िया तरीके से एक्सेस कर पाओगे अनअकैडमी के प्लस का, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो मैं एकाग्रता बैच में नहीं आऊंगा, एक अलग से सेपरेट कोर्स लाऊंगा, तो आप इस अलग से कोर्स को एकदम बढ़िया तरीके से अलग से कोर्स को भी आप परचेस कर पाओगे। और दूसरा, अगर आपको लगता है तो प्लस जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होता है तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस मिलने वाला है इस कोर्स का, बहुत मजा आने वाला है। इंटरमीडिएट में भी 4 चांद लगाएंगे और जरूर से मिलेंगे हमारे इस न्यू सिलेबस की पहली बैच के अंदर, राइट। सी यू ऑल इन द न्यू बैच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जब भी आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो अनअकैडमी के ऊपर, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।